नमस्कार, आप देख रहे कैपिटल टीवी बिहार, आपके साथ मैं हूं दिव्या। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को एक बड़ी बैठक बुलाई। नीतीश कुमार ने अपने आवास पर झारखंड के नेताओं के साथ बैठक की है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी नेता से झारखंड चुनाव की तैयारी को लेकर की भी जानकारी हासिल की। इसके साथ ही झारखंड आने का भी भरोसा दिया गया। इसके साथ ही इस बैठक में इस बात पर मुहर लगी है कि जेडीयू झारखंड में भी गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ेगा। वैसे बैठक के बाद ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड की मुख्यमंत्री आवास पर बैठक खत्म हुई है। बैठक में झारखंड में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर कई मामलों पर विचार हुआ है और अगर सीटों की बात हो तो गठबंधन में इस बात का फैसला होगा। आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि गठबंधन किन किन से होगा। फिलहाल अगले विधानसभा चुनाव को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इसमें झारखंड में पार्टी के विस्तार पर अहम फैसले लिए गए हैं। वैसे सूत्रों के माने तो जेडीयू ने तय किया है कि एनडीए के साथ मिलकर झारखंड में चुनाव लड़ना है। इसके लिए भाजपा के साथ चुनावी चर्चा की जाएगी। साथ ही झारखंड में कुछ सीटों को भी शॉर्टलिस्ट किया गया है जहां पार्टी उम्मीदवार उतार सकती है। श्रवण कुमार ने आगे कहा कि इस बैठक में कई मामलों पर विचार हुआ है। इसमें पार्टी के कैंडिडेट तय किए जाने की तैयारियों को लेकर के भी मंथन किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि आने वाले दिनों में आपको खुद मालूम चल जाएगा कि हमारा गठबंधन झारखंड में किन के साथ होने वाला है। इसके बाद सीट और भी तमाम बातों की जानकारी आपको दे दी जाएगी। फिलहाल इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी जा सकती आगे। आपको बता दें कि अगले कुछ महीनों में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। उसके पहले जेडीयू अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड के वरिष्ठ नेता सरयू राय से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद सरयू राय ने बताया कि उनकी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या नीतीश कुमार के जेडीयू के साथ विलय करेगी, ये अभी राजनीतिक स्थिति के आधार पर तय किया जाना है। उन्होंने बताया था कि बैठक में आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई है। राय ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी कहा था कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव अपनी संभावित भूमिका के बारे में संक्षिप्त लेकिन उपयोगी चर्चा हुई है। हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमत हुए। जेडीयू नेतृत्व जल्द ही शीर्ष चुनावी औपचारिकता पर फैसला करेगी। वैसे संजय झा ने भी कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद ही ऐलान किया था कि जेडीयू को झारखंड में विस्तार करने का लक्ष्य है। मंत्री अशोक चौधरी ने भी झारखंड में पार्टी को मजबूत करने को लेकर कई दौरे की बैठक कर चुके हैं झारखंड का। अब सीएम नीतीश कुमार के साथ हुई इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।